हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ज़रूर आप सब लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज हम ड्रीम मिलियन पर जीतने के लिए कुछ टिप्स, कैसे हम जी ड्रीम इलेवन पर जीतने के लिए क्या करें ऐसा कि हम ड्रीम इलेवन पर जेल विन करें। सो दोस्तों, कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सो आप उन टिप्स के बारे में ध्यान से सुन सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली टिप्स है हमारी खिलाड़ियों का चयन। आपको खिलाड़ियों को चुनाव करने में समय देना चाहिए। उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, रिसेंट रिकॉर्ड, पिच और मौसम की जानकारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए? हमें समय देना चाहिए चुनाव करते समय, उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और जो रिसेंट फॉर्म है, उसके बाद हमारी जो पिच है और जो मौसम है उसकी भी जानकारी हमें रखना चाहिए। दूसरी टिप्स है टीम कॉम्बिनेशन। टीम में बड़े स्टार्स खिलाड़ी के साथ साथ छोटे खिलाड़ी को भी शामिल करें। सो दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो लोग स्टार, जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहते हैं, हमारी जो जेल टीम आती है उस टीम में छोटे खिलाड़ी भी शामिल होते हैं और वो हमारे ट्रम्प प्लेयर या ट्रम्प खिलाड़ी बनते हैं। सो दोस्तों, अगली हमारी टिप्स है पिच और वेदर रिपोर्ट। तो पिच और वेदर रिपोर्ट रखने से फ़ायदा क्या होगा? सोचिए दोस्तों, जहाँ पर भी मैच है होने वाला है, वहाँ की यदि पिच हमें पता चल जाएगा कि बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है या फिर बैलेंस पिच है, उसके हिसाब से हम हमारे प्लेयर को चुन सकते हैं या चुनाव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह मौसम की जानकारी से हमें पता होगा कि वहाँ पे अचानक क्या बारिश हो जाती है, किसी कैसे मौसम की स्थिति है, उससे भी हम हमारी टीम अच्छा चुनाव कर सकते हैं। इससे हमको एक और फ़ायदा होगा, पिच पर रन्स और विकेट के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिल सकती है। अगली टिप से दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन, इनका चुनाव करते समय सही डिसीजन लें, क्योंकि कैप्टन से डबल और वाइस कैप्टन से हमें 1.5 गुना पॉइंट मिलता है, तो यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है जेल टीम में। तो दोस्तों, आप ध्यान रख सकते हो कप्तान और वाइस कप्तान चुनने के समय। रिसेंट फॉर्म, खिलाड़ी का करंट फॉर्म और रिसेंट फॉर्म भी देखना चाहिए। जैसे कोई खिलाड़ी है, उसका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है दोस्तों करेंट फॉर्म उसका अच्छा ना हो, या उसका करेंट फॉर्म अच्छा है लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा ना हो, ये भी हमें चुनाव पहले से देखना पड़ेगा। अगली टिप्स पे आते हैं दोस्तों, इंजुरीज और प्लेइंग इलेवन। तो दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले जब हमारा लाइनअप होता है, जब से लेके जो हमारा मैच जब तक शुरू ना हो तब तक हमें पता करना चाहिए कि कोई खिलाड़ी जिसको हमने लिया है उसको कहीं चोट तो नहीं लगी हुई, क्योंकि ऐसी खिलाड़ी को हमारी टीम में शामिल करना खतरनाक हो सकता है और हमारे जो प्लेइंग इलेवन होती है उस समय दोस्तों प्लेइंग इलेवन और खिलाड़ी को ऊपर हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है। अगले है दोस्तों टिप्स हमारी मैच प्रीव्यू और एक्सपर्ट ओपिनियन। तो जब मैच शुरू होता है दोस्तों, उसके 15-20 मिनट पहले कुछ एक्सपर्ट रहते हैं वहाँ पे, जो कुछ खिलाड़ियों के बारे में, पिच के बारे में, अगला मैच और पिछला मैच, बहुत सारी ऐसी डिटेल देते हैं जिसको यदि हम सुनेंगे देखेंगे तो शायद
हो सकता है कि दोस्तों हम बहुत बेहतर टीम हमारी बना सके। तो आप यदि उनकी ओपिनियन सुनेंगे तो वाकई में आप सही डायरेक्शन में जा सकेंगे, अच्छे से टीम बना पाएंगे। अगला है दोस्तों बजट मैनेजमेंट। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी टीम में जो सिलेक्ट लोग सिलेक्ट जो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी हमेशा चलते हैं या बड़े स्टार्स हैं, सिर्फ उनको ना ले बल्कि हमारे जो न्यू स्टार है, नए खिलाड़ी है, उनको भी हमें शामिल करना चाहिए। अगला है दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन का सही चुनाव। सो दोस्तों ड्रीम इलेवन या कोई सी भी फैंटेसी ऐप हो, यदि हमें उसमें जेल विन करना है तो दोस्तों हमारा जो कप्तान और वाइस कप्तान है ये हमें सबसे ज़्यादा अंक प्रदान करते हैं। तो हो सके तो हम ऐसे कप्तान और वाइस कप्तान को चुने जो पूरे मैच में अधिक से अधिक चीज़ों में भाग लेता हो, जैसे बॉलिंग भी डालता हो, बैटिंग भी करता हो, या ऐसे जगह पे फील्डिंग करता हो जो उसके पास कैच भी अधिक से अधिक आए। सो दोस्तों ये हमारा अंक बढ़ाने में हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसे कप्तान और वाइस कप्तान का चुनाव करना हमेशा से सही रहा है। आगे पे आते दोस्तों अपडेट पर ध्यान दें। मैच से पहले और मैच के दौरान आने वाली सभी अपडेट को ट्रैक करें, आखिरी मिनट तक चेंजेस का भी ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है दोस्तों लास्ट मिनट में कोई खिलाड़ी ना खेले, हमने टीम बना दी और उसकी जगह कोई नया खिलाड़ी आए जिसको हमने लिए ही नहीं दोस्तों। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। सो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आप सभी प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, क्योंकि जो इसके बाकी की जो सारी जानकारी है दोस्तों वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप कमेंट कीजिए दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आपके ढेर सारे प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नए मैच के बारे में बात करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहिए।